हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय। दोस्तों, ये मेरे पास में एप्पल का लेटेस्ट आईफोन SE 3 स्मार्टफोन, जो कि एप्पल का 2022 आईफोन SE रिलीज है। ये मेरे पास में आईफोन 12 मिनी, जिसको कि मैं अपने प्राइमरी डिवाइस की तरह बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो के बाद ना, जहाँ पे मैंने कंपैरिजन करा था इन दोनों फोन्स का, जो कि आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, बहुत सारे मैसेज रिक्वेस्ट आए मेरे पास और कमेंट सेक्शन में भी बहुत प्यार बरसाया आप लोगों ने कि यहाँ पे कैमरा कंपैरिजन डेडिकेटेड चाहिए हमें। यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ दोस्तों कैमरा कंपैरिजन, और ये वाला ना बहुत ही एक टफ कैमरा कंपैरिजन था मेरे लिए, बिकॉज दोनों ही एक आईफोन है, दोनों ही में सेम ISPs लगी हुई है और दोनों ही के कैमरा सेंसर्स बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे बहुत बड़ा निकल के आ रहा है, जिसको चेक करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है आगे इस वीडियो में, जिसके लिए बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। पर स्पेक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आईफोन SE में सिंगल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है हमें पीछे की साइड, जबकि आईफोन 12 मिनी में डुअल कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाइड एंगल कैमरा यूज करा गया है, दूसरा वाला। रेजोल्यूशन सेम है दोनों का 12 मेगापिक्सल, लेकिन और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि अपर्चर f1.8 ऑन द आईफोन SE 3 वर्सेज f1.6 ऑन द आईफोन 12 मिनी। यहाँ पे ऑन पेपर लग रहा है कि लो लाइट में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर देगा आईफोन 12 मिनी, और सेम यहाँ पे मैंने फोटोज वगैरह खींची है, सारा आपको आगे दिखने वाला है इस वीडियो में। फ्रंट में यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का ऑन द आईफोन 12 मिनी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 4K एट 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग इनेबल कर देता है आईफोन 12 मिनी के फ्रंट कैमरा के साथ में, जो कि मिसिंग है यहाँ पे आईफोन SE 3 में, जहाँ पे हमें 7 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है विद f2.2 अपर्चर, अगेन सेम लाइक द आईफोन 12 मिनी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1080p 30 FPS तक ही रिकॉर्ड कर सकता है। नज़र डालते हैं दोस्तों आगे बढ़ के इस वीडियो में कुछ फोटोज़ की तरफ, जो कि मैंने डे लाइट में कैप्चर करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो 12 मेगापिक्सल से फोटोज़ निकल के आ रही हैं दोनों ही के कैमरा से, वो बहुत अच्छी निकल के आ रही है। आईफोन के कैमराज वन ऑफ माई फेवरेट होते हैं, यहाँ पे कड़ी टक्कर देते हैं बड़े से बड़े एंड्रॉयड फोन्स को इन टर्म्स ऑफ कलर एक्यूरेसी। यहाँ पर भी सेम देखने के लिए मिल रहा है, दोनों ही कैमराज प्राइमरी बहुत ज़्यादा कलर एक्यूरेट है, बहुत ब्राइट है और बहुत अच्छा सेचुरेशन प्रोवाइड कराया हुआ है दोस्तों। हालांकि सम फोटोज़ में आपको यहाँ पे इंडोर सिचुएशन में बेसिकली ज़्यादा ऐसा लगेगा कि आईफोन SE 3 जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेचुरेटेड है एज़ कम्पेयर टू द आईफोन 12 मिनी, जो कि थोड़ा सा वार्म टोन दे रहा है आईफोन SE 3 के पिक्चर्स को। दोनों ही कैमरास बहुत अच्छे हैं, इट्स नॉट लाइक वन इज बेटर देन अदर एंड देयर इज नॉट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे क्लियरली आप अगर वार्मर इमेजेस पसंद करते हैं तो आपको आईफोन SE 3 की इमेज ज़्यादा पसंद आएगी, वैसे कुछ ऐसा खास डिफरेंस यहाँ पे लगा नहीं है दोस्तों। आईफोन SE 3 में वाइड एंगल कैमरा मिसिंग है, तो आप देख सकते हैं ये फीचर यहाँ पे आपको इनेबल करके देता है आईफोन 12 मिनी, जो कि बहुत बार यूजफुल हो जाता है। ये वाली फोटो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, बहुत सारे कलर्स हैं, तो कलर एक्यूरेसी ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पे आप, लेकिन दोनों ही ने इतनी अच्छी इमेज निकाल के दी है कि यहाँ पे डिफरेंस बताना ही मुश्किल पड़ जा रहा है। ये एक स्पॉट द डिफरेंस वाला गेम होता है, जो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ पे इसको स्पॉट करना। तो दोनों ही कैमराज बहुत अच्छा काम कर देते हैं, प्राइमरी कैमराज। यहाँ पे डेप्थ के लिए पोर्ट्रेट मोड की कुछ फोटोज दोस्तों मैंने कंपेयर करी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर दोनों ही ने बहुत अच्छे से करा है, लेकिन अगर एक चुनूं मैं तो यहाँ पे आईफोन 12 मिनी की तरफ जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे आईफोन 12 मिनी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्यूरेसी के साथ में बैकग्राउंड ब्लर दे देता है, जबकि आईफोन SE 3 कभी कभार ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता है और यहाँ पे नेचुरल फोटो निकाल के देता है इंस्टीट ऑफ पोर्ट्रेट, रिजेक्ट कर देता है और मैसेज देता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हो पाया है, तो नॉर्मल फोटो ही क्लिक करके दे देता है। बाकी दोनों ही की पोर्ट्रेट फोटोज बहुत अच्छे से निकल के आती है, एज डिटेक्शन दोनों ही में बहुत अच्छे से निकल के आ जाता है दोस्तों। तो रियर फेसिंग कैमरा में डे लाइट में तो इतना डिफरेंस नहीं है, बस कलर टोन का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन नाइट टाइम में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिफरेंस निकल के आ जाता है दोनों ही फोन्स के साथ में, जहाँ पे आईफोन 12 मिनी जैसा कि ऑन पेपर f1.6 अपर्चर है कंपेयर टू f1.8, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटर फोटो निकाल के दे देता है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा कम निकल के आती है बिकॉज सेंसर भी बड़ा है और लेटेस्ट है, और आईफोन SE 3 में वही पुराना 12 मेगापिक्सल का सेंसर बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, तो फोटोज़ बहुत ज़्यादा ब्राइट और डिटेल्ड रिच आती है लार्ज नाइट एनवायरनमेंट में विद द 12 मिनी, और यहाँ पे एक डेडिकेटेड नाइट मोड भी दे रखा है, जो कि मिसिंग है सरप्राइजिंगली आईफोन SE 3 के साथ में बिकॉज ऑफ द ओल्ड कैमरा सेंसर जो कि यूज हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे नाइट फोटोग्राफी अगर आप करते हैं ना, तो डेफिनेटली आईफोन 12 मिनी मच मच बेटर आपको निकल के
आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस एक निकल के आ रहा है, जहाँ पे रिजोल्यूशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस निकल के आ रहा है, 7 मेगापिक्सल वर्सेस 12 मेगापिक्सल ऑन द आईफोन 12 मिनी। एपर्चर का यहाँ पे दोनों सेम रखा गया है f2.2, लेकिन यहाँ पे एक और डिफरेंस ये निकल के आ रहा है कि यहाँ पे आईफोन 12 मिनी में SL डेप्थ बायोमेट्रिक्स लगे हुए हैं, तो सम केसेस में यहाँ पे बेटर बैकग्राउंड ब्लर भी नजर आ जाएगा बिकॉज डेप्थ मेजर करेगा उसका यूज करके, तो ये चीज भी एक डिफरेंस है। उसके अलावा रिजोल्यूशन जो वीडियो में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो यहाँ पे 1080p 30fps ही सपोर्टेड है ऑन द आईफोन SE, और 12 मिनी में यहाँ पे 4K 60fps तक सपोर्टेड है दोस्तों। तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा यूज निकल के आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं डिटेल भी ज्यादा निकल के आ रही है 12 मिनी के कैमरा के साथ में इन टर्म्स ऑफ फ्रंट फेसिंग कैमरा। यहाँ पे पोर्ट्रेट में दोनों ही ने बहुत अच्छे से काम करा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में ओवर सैचुरेट और ओवर एक्सपोज कर दे रहा है आईफोन SE का कैमरा, जबकि आईफोन 12 मिनी वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सिस्टम ऑन एनी स्मार्टफोन निकाल के दे देता है विद द फ्रंट फेसिंग कैमरा। वीडियो की दोस्तों अगर बात करते हैं, सबसे पहले फ्रंट वीडियो में नजर डालेंगे तो यहाँ पे दोनों ही फोन्स बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर देते हैं, स्टेबलाइजेशन दोनों ही में सेम निकल के आ जाता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग जब हो रही है माइक्रोफोन से वो भी दोनों ही में सेम निकल के आती है, दोनों ही स्टीरियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन डिफरेंस दोस्तों कलर्स में निकल के आता है और डिटेल में निकल के आता है बिकॉज 7 वर्सेस 12 मेगापिक्सल यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा कलर एक्यूरेसी है 12 मिनी के साथ में और ज्यादा अच्छी डिटेल भी निकल के आ रही है 12 मिनी के साथ में, जबकि आईफोन SE 3 ओवर एक्सपोज बहुत ज्यादा कर दे रहा है वीडियोस को भी, इवन बाकी सारा कुछ बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है दोनों ही कैमरा के साथ में। अब दोस्तों अगर बात करते हैं रियर वीडियो की, तो यहाँ पे रियर वीडियो में दोनों ही 4K 60fps तक सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो आईफोन 12 मिनी है ना वो यहाँ पे बहुत बड़ी लीड लेता है बिकॉज यहाँ पे डुअल पिक्सल ऑटो फोकस भी देखने के लिए हमें मिल जाता है एज कम्पेयर टू द ओनली वन सिंगल पिक्सल ऑटो फोकस, तो मतलब यहाँ पे आपकी एक आंख जितना अच्छे से फोकस कर पाती है वो आप आईफोन SE मान लो, और दोनों आंख से फोकस करोगे तो वो आईफोन 12 मिनी मान लो, तो ये होता है पिक्सल्स का गेम। उसके बाद दोस्तों अगर बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, डॉल्बी विजन HDR रिकॉर्ड कर सकता है आईफोन 12 मिनी, जबकि ये ह्यूज फीचर यहाँ से मिसिंग है आईफोन SE 3 से, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के देता है दोस्तों वीडियो में, जहाँ पे HDR के साथ एकदम जबरदस्त तड़कती भड़कती वीडियो कैप्चरिंग कर लेता है 12 मिनी। वैसे दोस्तों दोनों का कैमरा बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अगर नॉर्मली रिकॉर्ड कर रहे हैं 1080p 30fps कितनी ज़्यादा स्मूथ वीडियो निकाल के दे देते हैं दोनों ही फोन्स, ऑडियो एकदम जबरदस्त पिक कर लेते हैं, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो कैमरा ऑन एनी स्मार्टफोन, और अगर इवन आईफोन SE की 3 की भी बात करूँ ना तो मतलब बेस्ट वीडियो कैमरा इस रेंज के अंदर, कोई भी एंड्रॉइड फोन इस चीज़ को बीट नहीं कर सकता है। दोनों ही फोन 5x का डिजिटल जूम हमें प्रोवाइड करा देते हैं रियर फेसिंग कैमरा के साथ में दोस्तों। नाइट वीडियोग्राफी की अगर बात करें तो अगेन डिटेल ज्यादा निकल के आ रही है ऑन द आईफोन 12 मिनी, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर नॉइज रिडक्शन काफी अच्छे से कर रहा है आईफोन 12 मिनी, और यहाँ पे डिटेल भी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है आईफोन 12 मिनी में उसी के कारण, और लाइट भी बहुत अच्छे से कैप्चर कर रहा है आईफोन 12 मिनी। दोस्तों ऑन पेपर ना जो जो चीज आईफोन 12 मिनी बेटर प्रॉमिस कर रहा है ना वो रियल लाइफ में भी ऑफर कर देता है, जबकि आईफोन SE 3 आप ये मान सकते हैं कि ये काफी बैलेंस सा फोन है जहाँ पे थोड़ा सा कम निकल के आ रहा है एज कम्पेयर 12 मिनी, लेकिन अगर एंड्रॉयड वर्ल्ड में किसी से भी कंपेयर करते हैं दोस्तों इस फोन को, तो इवन एक सिंगल कैमरा सिस्टम के साथ में भी इजीली बीट कर देगा, बहुत ही कंसिस्टेंट कैमरा है। वीडियोग्राफी के मामले में ना दोस्तों नंबर वन का निकल के आ रहा है यहाँ पे, कोई भी आईफोन आप ले लीजिए वीडियो में आप आईफोन को बीट नहीं कर सकते हो, बहुत एक लेवल आगे है जिसको बीट करने के लिए एंड्रॉयड यूजर्स को एक बहुत ही तगड़ा वाला इनोवेशन की जरूरत है, जहाँ पे चिप भी उनको खुद मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर भी खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा जो कि हो नहीं सकता, तभी एक बेटर इंटीग्रेशन कंपेयर टू आईफोन वो लोग रिलीज कर पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा कैमरा सिस्टम है आईफोन SE 3 का। इफ यू वांट मी टू कंपेयर देन आई विल पिक द आईफोन 12 मिनी फॉर मल्टीपल रीजंस इंक्लूडिंग डेप्थ अच्छे से कैप्चर कर लेता है, इंक्लूडिंग डॉल्बी विजन HDR का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस देखने के लिए मिल जाता है, वाइड एंगल कैमरा दोस्तों एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है हमें यहाँ पे, अपर्चर बड़ा देखने के लिए मिल जाता है जिससे लो लाइट में फोटोग्राफी अच्छी हो जाती है। उसके बाद दोस्तों आईफोन SE 3 एक बहुत ही बैलेंस्ड कैमरा सिस्टम के साथ में आता है, तो उसको मैं बुरा नहीं बोलना चाहूँगा। अगर आपको दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी कंपैरिजन वाली वीडियो में कहा था 5000 6000 7000 तक का भी डिफरेंस मिलता है तो गो फॉर द 12 मिनी,
वो वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जहाँ पे पूरा कंपैरिजन करके दिखाया है दोनों ही फोन्स का, बिकॉज एट द सेम टाइम यहाँ पे आईफोन SE 3 आता है A15 बायोनिक के साथ में, लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी है आईफोन 12 मिनी में। सारी बातें डिस्कस करिए जिसके लिए आप आई बटन पर क्लिक करके वाली वीडियो देख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप आगे भी इसी टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।